हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल हिट हैक आइडिया एंड ट्रिक। आ गई हूँ मैं फिर से कुछ नया लेके आपके लिए। चलिए देखते हैं, क्या आपकी किचन स्लैब ग्रेनाइट की है? क्या आपकी किचन स्लैब टाइम के साथ अपनी शाइन खो रहे हैं? क्या कुछ जिद्दी दाग आपकी किचन की पूरी खूबसूरती खराब कर रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज का टॉपिक, हाउ टू रिमूव स्टेन्स फ्रॉम ग्रेनाइट किचन स्लैब। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने किचन के स्लैब का व्यू आपको एक बार दिखा देना चाहती हूँ। ये ऑलरेडी क्लीन किया हुआ किचन है और इसमें आप बहुत सारे वाटर मार्क्स देख सकते हो और कुछ जिद्दी दाग भी जो साफ करने के बाद भी नहीं जा रहे। इस क्लीनिंग प्रोसेस के लिए आपको सॉक्स, मसलिन क्लॉथ या फिर कॉटन पैड की जरूरत पड़ेगी। साथ में आपको चाहिए होगा कोई भी ऑयल ग्रीसिंग के लिए। मैं यहाँ मस्टर्ड ऑयल यूज कर रही हूँ। मैं इसे अच्छी तरह ऑल अक्रॉस स्लैब में स्प्रेड कर दे रही हूँ और जहाँ पे मुझे दाग ज्यादा दिख रही है वहाँ पे मैं ऑयल थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। देन कॉटन पैड की मदद से सर्कुलर मोशन में ऑयल को पूरे स्लैब में अच्छी तरीके से स्प्रेड कर दें। जहाँ जहाँ दाग ज़्यादा हो वहाँ पे ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल करें। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह। अच्छे रिजल्ट्स के लिए आपको इस प्रोसेस के बाद इसे 2 से 3 घंटे ऐसे ही छोड़ देना है। सबसे बेस्ट समय होगा सोने से पहले। रात के समय अपना स्लैब क्लीन करें और ये ऑयलिंग प्रोसेस करके अपने स्लैब को छोड़ दें। ज्यादा समय के लिए स्लैब को ऑयल के साथ छोड़ने से रिजल्ट्स और भी अच्छे आते हैं। मैंने ऑयलिंग कंप्लीट कर ली है, अब मैं भी इसे रात भर के लिए इस ऑयल के साथ छोड़ दूंगी। ये है दूसरे दिन का लुक। जितने भी एक्स्ट्रा ऑयल ऊपर मुझे दिख रहे हैं उसे मैं वाइप ऑफ कर दे रही हूँ मसलन क्लॉथ की मदद से। और इस प्रोसेस के बाद मैं पूरे किचन स्लैब को एक सिंपल कॉटन क्लॉथ से पोंछ दूंगी बिल्कुल अच्छे तरीके से। आप देख सकते हो कि कॉर्नर का जो वाटर मार्क था वो बहुत हद तक जा चुका है। सी रिजल्ट्स के लिए इस प्रोसेस को वीकली इस्तेमाल करें। ये रहा हमारा फाइनल लुक। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें और किसी को इस वीडियो की जरूरत हो तो उसके साथ शेयर जरूर करें। मैं फिर आऊंगी नेक्स्ट वीक कुछ नया लेके आपके लिए, फिर से इसी चैनल में हैक आइडिया एंड ट्रिक, आपका खुद का चैनल हिट।